वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच सेकंड पार्ट। इस पार्ट को बनाने का पहला मेरा कोई मकसद नहीं था, बट ऐसे कुछ लोगों ने कमेंट करा और मुझे लगता है इसका पार्ट टू बनाना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा नीड हो गया है उन सारे बच्चों के लिए। मैं आज आपको ऐसे ऐसे प्रूफ दूंगा, आप समझ जाएंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। 95% क्या उससे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं वीडियोज़ को, बट मेरे लिए वो 5% जो रह गए ना, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई वो 5% ही समझे मैं जो बोल रहा हूँ ये रियलिटी है। आप जो जानते हैं वो पार्शियली शायद जानते होंगे, बिकॉज मेरे पास हजारों बच्चों का डेटा है। आप दो चार को देखते होंगे आसपास क्या पढ़ रहे हैं, मेरे पास हर ब्रांचेस से पढ़ा हुआ बंदे का डेटा है, कौन ब्रांच से पढ़े कहाँ गया है। आज आपको प्रूफ दूंगा बहुत सारा, और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर कर दिया, ताकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इस तरह का चीज़ें जाने, ताकि बाद में ये गलतफहमी उनके दिन मतलब बाद में क्या ना उनको झटका लगे, भैया हम तो फंस गए, कहाँ हैं यार, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बस दिखा नहीं पा रहे पापा मम्मी को। ये होता है यार, किसकी वजह से? बिकॉज पैसा नहीं होता है, पैसे की कमी होता है, प्रॉब्लम ये है। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आया, एक अच्छा कमेंट आया था, उन्होंने हालांकि लिखा है कि कमेंट अलाउ नहीं करते हैं। भाई अगर अलाउ नहीं करते हैं, लोग कैसे आपके कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं? तो पहली बात, आप तो झूठ या गलत बोल रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं है YouTube के बारे में। ठीक है, कमेंट हाइड किया जा सकता है, मैं अगर हाइड करता तो कमेंट दिखता कैसे? और एक बार कमेंट हाइड करने से दोबारा ला नहीं सकता यूट्यूबर या फिर टीचर या जो भी पढ़ा रहा है यूट्यूब पर या जो भी बता रहा है, ज्ञान दे रहा है या फिर नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपकी बात तो यहाँ पर रॉन्ग साबित हुआ था, अभी भी आपका कमेंट है। तो मेरे भाई दोस्त जो भी आप हैं, थोड़ा समझो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका माइंडसेट मैं चेंज कर दूंगा, आपका जो थिंकिंग है, आप जो सोचते हो वो चेंज हो जाएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। वर्स ब्रांचेस भी पता लग जाएगा, एक दो और ऐड कर दिया मैंने, कमेंट से ही ऐड करा है, आप लोग में से भाई बंधु ने हेल्प करा कि हाँ ये भी ब्रांच एक वर्स्ट ब्रांच है। मैंने आपको बता दिया था हालांकि कौन से ब्रांच से बीटेक करना चाहिए। चलिए फटाक से देखते हैं क्यों मैंने ऐसा बताया था, ताकि आपको रीजन पता लग जाए। लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और आगे बताऊंगा मैं कि भाई आप मेरे से कैसे बात करो कर सकते हो 1-to-1 ऑलमोस्ट फ्री। आपको बहुत सारी चीज मैं सिखाऊंगा जो मार्केट में उसका वर्थ थाउजेंड्स, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बट हम आपको सिखाएंगे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और भी अमेजिंग चीजें दे रहे हैं जो पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं दे रहा है। सो लेट्स गो फॉर इट। तो ये जो मेरे पास प्लेसमेंट अगर डेटा देखेंगे, ये सबसे वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का, IIT धनबाद, जो पहले क्या था ISM धनबाद, अगर किसी को पता नहीं हो तो, लेकिन जो थोड़े से एजेड पर्सन होते हैं उनको चेंजेस थोड़े से पता नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से देखना, आपका अटेंशन कहां जाएगा भैया? आपका अटेंशन जाएगा कहां पर? यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवरेज पैकेज कितना है? 27.29। अब यहां पर बहुत सारे बोलेंगे सर जो पैकेज लगता है ना उसमें वेरिएबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बोनस होते हैं। वो भाई सिर्फ CSE में नहीं होता है, हर जगह होता है यार, वो हर जगह होता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो भाई वो उसको लेकर आप चल नहीं सकते। आप एवरेज पैकेज में एवरेज पैकेज समझो, ज्यादा उसमें इन डेप्थ जाओगे तो बहुत कुछ और निकल के आएगा, लेकिन ये पहले समझो आप एवरेज पैकेज। आप मान लो दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स गए जी आप, ठीक है, आप दो दोस्त गए पढ़ने के लिए, ध्यान सुनना, एक को मिला, एक ने उसको मिला या फिर लिया कंप्यूटर साइंस, बिकॉज कमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, सब में बढ़िया स्कोप होता है, वर्स्ट कुछ नहीं होता है, तो यह बताएंगे आपको ना वर्स्ट कैसे है, समझो तो जरा। दो फ्रेंड्स थे बढ़िया, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों बराबर के नॉलेज, एक बोला ना मेरा इंटरेस्ट है, क्या क्या इंटरेस्ट है हम देखते हैं, भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है आपका? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मुझे एनवायरमेंट चेंज करना है, बेचारा गया वहां पर। या फिर कौन सा इंटरेस्ट वो बोलेगा, मेरा और एक चीज इंटरेस्ट है जी, मुझे कहां जाना है आपका, मुझे माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग करना है, या फिर मेरे को क्या करना है जी, माइनिंग मशीनरी करना है, या फिर मुझे मिनरल एंड मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग करना है। एक बच्चा बोला ना मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग से किसने पढ़ा था भाई, सुंदर पिचाई, वो भाई मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर काम नहीं कर रहा है वो गूगल में जाके, और ऐसे कितने लोग हैं, ये एग्जांपल ले नहीं सकते, एग्जांपल लोग हैं आपको बता रहा हूं मैं। मेरे गांव का एक बंदा है 8th पास है, जो हमारे गांव के सरकारी नौकरी करने वाले हैं ना बहुत हैं, अच्छे जॉब कमाते हैं, 1 लाख के आसपास सैलरी है बहुतों की, वो भाई पूरे लाइफ टाइम में एक घर बड़े मुश्किल से कर पाए, जो 8th पास है ना उसने 4-5 घर बना लिए अपने,
चार पांच मतलब जगह पर उसने घर तो है, प्लस इतने पैसे वो सोच भी नहीं सकते। अब क्या एट फेल करके वो जो कर रहा है करना शुरू कर दें तो वो सक्सेस मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। पहले एक रुपये का वैल्यू कुछ और था भाई, एक रुपया मेरे को 10 चॉकलेट छोटे मिलते थे जब छोटा था मैं। अब एक रुपया में वो दुकानदार एक रुपया चलता नहीं बहुत जगह पर, तो 10 चॉकलेट तो छोड़ दूर की बात है। समझो मेरे बात को यार। अब देखो मान लो क्या है, फर्स्ट बच्चा ने क्या पढ़ा आपका, मैं कलर चेंज होगा यहाँ से, हाँ कलर चेंज होगा। सेकेंड बच्चा पढ़ा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर पढ़ा उसने मिनरल वाला पढ़ा, ठीक है, दोनों सेम टैलेंट। सीएससी वाला फोर्थ ईयर के बाद कितना पैकेज लेके निकलेगा एवरेज में? 27। ये कितना निकलेगा भाई? 12। सीएससी का प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 में से जितना एलिजिबल बच्चे हैं, फेल होते हैं बहुत सारे तो उनका वो काउंट नहीं करते, उसमें छोड़ते हैं, चलो भाई वो आप हमारे एलिजिबल बच्चे नहीं हो तो हम काउंट नहीं करेंगे प्लेसमेंट, हर कॉलेज में ऐसा ही है। तो 100 एलिजिबल बच्चों से कितने बच्चों को जॉब लगा? 93। 7 को नहीं लगा या फिर वो हायर एजुकेशन करने चले गए, कुछ भी हो सकता है। इसमें कितने का जॉब लगा भाई? 80 का। 20 का जॉब लगा नहीं या फिर वो हायर एजुकेशन करने चले गए, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो क्या है डिफरेंस कितना पैकेज का भाई। ये पहला बच्चा कितना कमा रहा है भाई एवरेज का? 27 LPA। दूसरा बच्चा कितना कमा रहा है आपका? लगभग 13 LPA। हाफ कमा रहा है यार। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर 1 लाख पर मंथ थोड़ा ना कम होता है? मेरे दोस्त जब आप सेम टैलेंट के होते हो ना, आप देखते हो मेरा दोस्त सेम जैसा ही था या मेरे से कमजोर था, मेरे से डबल पैसा कमा रहा है, मैं आधा कमा रहा हूँ, सारा मोटिवेशन वहीं चला जाता है, सारा इंटरेस्ट वहीं चला जाता है। और एक कड़वी सच बता रहा हूँ, आप जो बोलते हो ना मेरा पैशन इंटरेस्ट है भाई, किसी को भी उसका पैशन इंटरेस्ट पता ही नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का पता है क्या है? पैसा लीगल तरीके से कमाओ। तो ये सुनने में आपको चुभेगी, ये सच बात है। गांव में देखना आपके आसपास एग्जांपल होगा, किसी को लोग अच्छे कोई मानता नहीं था, लेकिन पैसा जैसे ही कमाना शुरू करा वो करेक्टर अच्छा नहीं है फिर भी बोलेगा अरे बहुत बढ़िया बंदा है, पैसा है यार इसीलिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनने एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर अच्छे हैं ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए। क्यों भाई? अगर बुरे इंसान के पास पैसा चला गया, हालांकि इंसान बुरा अच्छा नहीं होता है, उसका हालत बना रहता है, इन जनरल बुरे कुछ होते भी हैं लेकिन वो छोड़ो, वो तो बात अलग होता है। अगर मान लो गलत थिंकिंग वाले के पास पैसा चला गया तो भाई अच्छे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छे लोगों के पास पैसा आया तो क्या होगा? वो बाकी जो लोग हैं उनका अच्छे के बारे में सोचेगा। तो भाई अगर आप अच्छे हैं और एफर्ट डाल के ज़्यादा पैसे कमाओ और ये ब्रांच लो जहां पर पैसा ज़्यादा आता है। ये वर्स्ट ब्रांच कैसे नहीं होगा भाई? जब से घर वाले पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, आप खुद बोलोगे उसका बेटा तेरे ऐसा ही था, तेरे से निकम्मा था, कमा रहा 27 लाख, तू कमा रहा है 12 लाख, तू भी तो IIT गया था। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना अलग बात है, रियलिटी अलग बात है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। जितना जल्दी समझेंगे अच्छी बात होगी। आप बोलो हम कंपेयर नहीं करते, सारे कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स कंपेयर नहीं करते हैं, उसका बेटा इतना बढ़िया है, तू नालायक निकला, एक नंबर भाई साहब कम आया था ना, एक नंबर, चाटा मार देते हैं बच्चे को और बात करते हैं यूट्यूब पर, कमेंट करते हैं लोग आके यहाँ पर, एक नंबर की बात चाटा मारते हैं। तो सोचो 13 लाख साल का स्टार्टिंग, और आप बोलोगे सर इंक्रीमेंट हो जाएगा, भैया सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट पता है कहाँ लगता है? CSIT में ही लगता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ पता है कहाँ होता है आपका? CSIT में होता है। रीजन आपको बताया था भाई, इस फील्ड में काम करने के लिए, मिनरल मेटलर्जी में काम के लिए रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा आपको, CSE में रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। मशीन कितना कॉस्ट आता है लैपटॉप का? 50,000 में बढ़िया लैपटॉप आया था लगभग, हाँ 1 लाख का भी लैपटॉप आता है मानता हूँ मैं, वो पता है मैकेनिकल मशीन कितने का आता है जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन अगर नाम सुने हो तो आप, वाटर जेट मशीन, एब्रेसिव जेट मशीन, भाई 1 करोड़ों के आते हैं एक मशीन। कहानी कुछ समझ में आया आपको? अभी पूरा नहीं आया है, समझाता हूँ और ध्यान सुनना। ये तो IIT था भाई, इसलिए ऐसा कंडीशन है, ये भी बहुत पुराना IIT है, मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं भैया, अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है ना अपने फ्यूचर से रिलेटेड, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, सो आई हैव समथिंग फॉर यू, दैट इज व्हाट 1-to-1 वीडियो काउंसलिंग सेशन। ये प्राइस तो लगेगा भाई आपको 999 रुपीज़,
एक सेशन का, बट मैं गारंटी देता हूँ ये 999 रुपीज कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा। जितना पैसे आप कमाने वाले थे लाइफ में उससे कम से कम 10-20% तो बढ़ ही जाएगा आपका इनकम। जरा सोचो, अगर 1 लाख कमाने वाले थे पर मंथ, 1,20,000 कमाओगे, ये कम से कम करके बता रहा हूँ भाई, बिकॉज आई हैव द डेटा ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव द डेटा ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स, मुझे पता है कौन से फील्ड से कहाँ जा सकता है, मुझे ये भी पता है थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ के भी IIT लगभग एवरेज में इतना पैसे कमाते हो उतने कमा सकते हो, बिकॉज आई हैव डन दिस विथ माई सेल्फ, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, बट कई मतलब एवरेज में इतना IIT कमाते हैं, मैं उतना कमा लेता हूँ, बट ऐसा सारे नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं लोग, समझ रहे हो। एग्जाम्पल बताया था सर, आपने बताया था, मैं बताऊंगा आगे, APJ सर APJ अब्दुल कलाम, बिकॉज आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। आप अगर रेस्पेक्ट करते हैं लाइक करना वीडियो को, नीचे कमेंट करना अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज क्या पर्सनैलिटी है यार उस पर्सन के, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग स्ट्रगल उनके लाइफ में उन्होंने किया है, उस स्ट्रगल से सीखने को मिलता है आपको। चलो मैं बताऊंगा उसके बारे में, यहाँ पर आ जाइए। हो सकता है आपको पता होगा, एक उन्होंने एरोस्पेस से बीटेक किया था IIT मद्रास से भाई, कहीं और से नहीं किया था। मैंने जो बोला था भाई, आप अच्छे समझना वेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कब ज़्यादा वर्क हो जाता है आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आ जाओ। आप देखो, ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए रखा था मैंने, 100 बच्चे क्यों, ऐसे कभी भी कोई भी बाय कर सकता है, 999 रुपीज़ का मेरा सेशन रहता है, अभी चल रहा है, आगे पैसा बढ़ेगा बता नहीं सकता मैं, अभी इतना ही चल रहा है। 20 मिनट एटलीस्ट आप मेरे से बात, मतलब एटलीस्ट नहीं, मतलब 20 मिनट का एक टाइम रखा है, ज़्यादा भी लोग बात करते हैं कम भी बात करते हैं, जैसे क्लियर हो चले जाते हैं। 100 बच्चों का मैंने सीट रखा था, अभी A57 ज़्यादा दिख रहा है, A53 के आसपास या 51 के आसपास रह गया है, ठीक है, मैं देखूंगा डेटा उसके हिसाब से रह गया, इतने बच्चों को और इस सेशन में दे सकता हूँ, उससे मेरे पास अभी स्लॉट नहीं है। अभी 3 में बच्चों का काउंसलिंग कर रहा था, अभी 4 करना पड़ा भाई, स्लॉट सारे फुल रहते हैं इसीलिए ये करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, ये भाई आपने 999 रुपीज़ पे करता, आपने बोला फ्री लगभग होगा, बहुत से ने बोला था भाई फ्री कैसे, समझाता हूँ। देखो, उज्जवल कुमार सेन प्राइम मेंबरशिप अल्टीमेट मिलेगा आपको, जिसमें 10 कोर्सेज फिलहाल है, इसमें क्या कोर्स आपको बता देता हूँ, C++ यही सीखने चाहोगे 1000 रुपये ले लेते हैं टीचर, और जो मैं सिखाई है सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, संचार में काम करती है जो सिखाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। C++ में आपको हम क्विज दे रहे हैं अभी, जो यूनिक है, बहुत कम प्लेटफॉर्म में है, और जो प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस है, I bet you will fall in love with that. इतना amazing है। इसके बाद English speaking course है, online teaching tools है, content writing कैसे करते हैं, convert your passion into profit, YouTube बहुत बड़ा पैसे कमाने का जुगाड़ है, बहुत पैसा है भाई, आप सोच भी नहीं सकते, amazing पैसा है, कहीं और फील्ड में इतना पैसा है ही नहीं, और almost starting without investment, अभी तो बहुत investment लगा यार, कैमरे का 1 लाख रुपये का है, कैमरे का स्टैंड ही 5-6 हज़ार रुपये का आता है, मतलब मैंने जो लगाया ऐसे 3 हज़ार का भी आता है, यही 2-3 लाख का आया था, समझ रहे हो, बहुत लगता है पैसा, लेकिन स्टार्टिंग के लिए कुछ नहीं, कैमरे से अपना मोबाइल से स्टार्ट कर लो यार, क्या जा रहा है, अगर नॉलेज है तो कैसे स्टार्ट करना है, दैट आई विल टीच यू, इट इज फॉर फ्री। इसके बाद हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, दैट्स नॉट ऑल, एक सबसे बड़ा और एक फील्ड है अगर पैसे कमाना है आपको पार्ट टाइम, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये भी हम फ्री कोर्सेज में डाल देंगे, जहाँ प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं कोर जबा का, फिर हम एडवांस जबा भी डालेंगे इसमें, उसका पाइथन भी काम चल रहा है वो भी डाल देंगे, तो ये सब कोर्सेज मिल जाएगा। प्राइस कितना इन कोर्सेज का बताओ भाई, 2500 रुपये आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगले 53 या 51 बच्चों को मिलेगा, बाकी बच्चों को फिर आपको बाय करना पड़ेगा, और ये पैकेज भी बढ़ जाएगा जैसे वो कोर्सेज हम ऐड करेंगे, बिकॉज इतने कोर्सेज दे रहे हैं यार, समझ रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में, एक्शन जरूर लीजिएगा, इट कैन चेंज द वे यू थिंक अबाउट लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। 999 रुपीज़ इज नथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, यू विल गेट माय 10+5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 10 प्रोफेशनल एंड लास्ट 5 ईयर्स जो था आपका वो क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन। मिलेंगे सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट। चलो बात करते हैं, आप जिसकी बात कर रहा था वर्स्ट ब्रांचेस का, उसकी बात करेंगे, और एक चीज़ डेटा आपको दिखा देता हूँ, वो है और एक IIT का, आप देखेंगे ध्यान सुनने से बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। IIT भुवनेश्वर, ठीक है, IIT भुवनेश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर खुल गया, प्लेसमेंट कहाँ गया, प्लेसमेंट आ गया, ओके प्लेसमेंट आ गया भाई, ठीक, प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ जी, अब देखो भैया आ जाओ, मज़ा आएगा देख के, और देखो भाई
परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो सिविल में कितना है 68, एमएमए कितना है 59। मतलब आईआईटी से पढ़ के भी, एक जो कमेंट था आईआईटी से पढ़ो तो क्या है भाई, आईआईटी में टॉप ब्रांच या एनआईटी में टॉप ब्रांच इज बेटर देन सीएससी फ्रॉम टीयर थ्री कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपको बता दूं इसमें पार्शियली डेटा ठीक है, पूरा सही है कि नहीं आपको बता रहा हूँ। जिस बंदे को आईआईटी मिल रहा है, टॉप आईआईटी मिल रहा है, वो लोअर आईआईटी में जाके सीएससी ले सकता है। जिस बंदे को टॉप एनआईटी मिल रहा है वो लोअर एनआईटी में सीएससी ले सकता है, वो टीयर थ्री कॉलेज में वो नहीं जाता है, पहली बात तो। इसलिए आपका जो कंसेप्ट यहाँ पर है भाई, है ना, ये टीयर थ्री कॉलेज का सीएससी रॉन्ग है, बिकॉज ये डेटा आप गलत दे रहे हो। पूरा सही डेटा दिया करो ना। जिस बंदे को, सोचो यार प्रैक्टिकली बात है, मुझे आईआईटी मिल रहा है क्या भाई, मुझे आईआईटी एमएमई मेट्रोलॉजिकल मटेरियल इंजीनियरिंग मिल रहा है, तो क्या मेरे को एनआईटी नहीं मिलेगा? तो मैं क्या, मेरे को लोअर आईआईटी नहीं मिल जाएगा सीएससी या इसी? कैसी बातें करते हैं यार, समझ में नहीं आता है मेरे को। और मान लो टीयर, चलो भाई आपकी मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पॉसिबल तो नहीं है, एक बंदे को मिल रहा है एनआईटी में, क्या एनआईटी पकड़ते हैं एमएमई, उसको कहीं और कुछ लोअर एनआईटी नहीं है, मान लो वो लोअर एनआईटी है एमएमई मिल रहा है, लोअर एनआईटी से एमएमई पढ़ के ना, जो लोअर एनआईटी जहाँ पर प्लेसमेंट ढंग का नहीं होता है उसे पढ़ के कुछ नहीं होता है, फिर वो जाता है मुखर्जी नगर एसएससीसीजी ले कोचिंग लेने, फिर वो वहाँ जाता है भाई, फिर आता है वो साकेत जाता है दिल्ली में केट का ईएससीए कोचिंग लेने। आज नहीं बता रहा हूँ यार, आज से 8 साल पहले मिल चुका हूँ ऐसे बच्चों से जो लोअर एनआईटी से मैकेनिकल पढ़े थे, एमएमई तो दूर की बात है, समझ रहे हो? तो ना कुछ नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन कोई कुछ बंदा बोल रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई ना करके अपनी नॉलेज को शेयर करना, हाफ नॉलेज शेयर बोलते हैं। हाफ नॉलेज ज्यादा डेंजरस होता है, मिसगाइड करते हैं बच्चों को, इससे बचें। मैं खुद मिसगाइड हो गया था यार छोटे में, किसी ने मेरे को बोल दिया मैकेनिकल में बहुत स्कोप है, एवरग्रीन ब्रांच है। नहीं है यार, एवरग्रीन ब्रांच नहीं है, अभी खुलासा करने वाला हूँ मैं, ये सब कहानी है। अगर इतना अच्छा स्कोप होता मेरे को आए दिन मैसेज नहीं आता टॉप कॉलेज, टॉप अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं कि सर आईटी में कैसे जाएंगे, बिकॉज वो कंपेरिजन करते हैं, अरे वो तो फटीचर से बन था अभी 25 लाख कमा रहे हैं, हम यहाँ पर अभी भी 7-8 लाख में बैठे हैं, साल का बता रहा हूँ। समझ रहे हो? आ जाओ तो भाई एवरेज पैकेज की बात करेंगे, हाईएस्ट छोड़ो, एवरेज हमेशा एवरेज सी जैसे कितना है 25 लाख है, और यहाँ कितना है भाई सिविल 12-13, डबल का डिफरेंस है। जरा सोचना है यार, ये तो पैसे की बात है, इसकी वजह से सारे भागते हैं, मार्क्स की बात करते हैं। आपका पड़ोस का बच्चे का 80 नंबर आया है, आपका इतने होशियार है, आपका 40 आया है, जरा सोचो आपके साथ क्या होगा, घर वाले क्या करेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे, पड़ोस वाले क्या करेंगे? अगर ये बोर्ड में आया तो छोड़ो, ये तो भाई पैसे, ये तो अलग बात है, पैसे तो अलग ही चीज़ का, पैसे का वैल्यू अलग ही है, तो नंबर की बात कर रहा हूँ। तभी मेरे को ख़राब लगता है जब ना अपना आधा उधरा ज्ञान देते हैं। ये भाई वर्स्ट ब्रांच है, आपको बताया था, आपको लेना है ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे तो नहीं कमा पाओगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा ब्रांच नहीं है इंडियन मार्केट के हिसाब से। इन ब्रांच से बीटेक करना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप कम पैसे कमाएंगे, सिंपल सी बात है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल इक्का दुक्का हो सकता है। सो APJ अब्दुल कलाम साहब भाई साहब IIT मद्रास से पढ़े थे, एरागोरा कॉलेज से नहीं पढ़े थे, पहला देख दिया। सेकेंड क्या है, IIT मद्रास से भी जो एरोस्पेस यहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंडिया में मेंटेनेंस का काम होता है, इतने जॉब नहीं होता है, सबको DRDO ISRO नहीं मिलता है भाई, है ना, सबको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन काम करने वो बाहर चले जाते हैं बहुत सारे, या फिर लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं MBA करके, समझ रहे हो? तो ये बातें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लोग, अच्छा आप बोलोगे सर टॉप ब्रांचेस एक बार फिर से बता दो, मैं बता देता हूँ। अगर ज़्यादा पैसे कमाना है भाई CSE NEC। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है AI आपका जॉब खाएगा या नहीं खाएगा CSE का, ये भाई नंबर वन ब्रांचेस ये चल रहा है। CSE IT ले सकते हो, IT में आता है, CS रिलेटेड ब्रांच में जाएंगे तो IT सेक्टर में प्राइवेट में अच्छा जॉब है, सरकारी में जॉब है बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
इसी में भी सही खेल है, प्राइवेट में अच्छा जॉब है, लेकिन अच्छा कॉलेज होना चाहिए इसी में। सीएससी में अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तब भी काम चल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। इसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो। अगर आप अच्छा कॉलेज से सिविल से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर छोटे से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट ब्रांच अच्छे ब्रांचेस में आता है, बट इनमें से अच्छा इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। केमिकल ब्रांच उसी के लिए अच्छा है जिसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए, अच्छा इंटरेस्ट वो कर सकता है, बट ये इतना अच्छा ब्रांच मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। इन ब्रांचेस से कर सकते हैं। सिविल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वर्किंग एनवायरनमेंट। मैकेनिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल का ठीक है, सरकारी नौकरी, लेकिन इन तीनों में है, इनमें कम है सरकारी नौकरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, पैसा सबसे किस में है? सीएससी में है, और एक जॉब में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा और एक बता दूँ, जो आईआईटी होते हैं ना, शायद यहाँ पर होगा एक चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ा होगा। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इतना अच्छा पैकेज क्यों गया है? बिकॉज यहाँ पर क्या करते हैं, पीएसयूज आते हैं, हायरिंग करते हैं। माइनिंग में क्या होता है, यहाँ पर पीएसयूज आती है, हायरिंग करती है, इसलिए ये माइनिंग में ठीक ठाक प्लेसमेंट जाता है, बिकॉज इसका माइनिंग टॉप, वन ऑफ द टॉप बनाया था। पीएसयूज, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, ये आते हैं। इन जनरल पीएसयूज में जॉब लेने के लिए अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज से हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है गेट का, या फिर मैं खुद का एंट्रेंस का, फॉलोड बाय इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप, वो तो सब में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं यहाँ पर और थोड़ा बात करूँगा जो आपको समझ में आएगा। फिर देखो यार ब्रांच, अच्छा इंटरेस्ट और पैशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको आपका इंटरेस्ट और पैशन अभी नहीं पता है, 99.9% चांस है। अगर वो आप 0.1% कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये टीचिंग सही में मेरा बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब हाईएस्ट पैशन वाला है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं कुछ और करने काम करना चाहता हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग मेरे को उतना अच्छा सा आता नहीं था, तो मेरे एक क्लाइंट US के, उनका एक मेरे लिए उनको एक वीडियो बना के देना था, तो मेरा जो वीडियो एडिटर थी वो काम, मतलब टाइमली मेरे पास आने रहता रहता अच्छे से। मैंने उसको बोला शाम को देने के लिए, वो एक दिन लेट कर रही थी, मैंने देखा नेक्स्ट डे देगी, चलो मैं रात में सीख लेता हूँ। मैं बेसिक जानता था, मैंने रात में ही इसको अप टू लेवल मैंने बना दिया, क्लाइंट को भेजा, अप्रूव कर दिया, तो वेटिंग मैंने सीख लिया था लगभग उसी रात में, सारे फंक्शन देख के। इसका मतलब ये मत समझना मेरे को पहले से आता नहीं था, आता था, एडवांस लेवल का मेरे को आता नहीं था, और मैं इसलिए करता नहीं था बिकॉज मेरे को लगता है बिजनेस का सिंपल रूल है, जो काम आप दूसरों से करवा सकते हो खुद मत करो, कुछ और वैल्यूएबल करो जो दूसरा आपके इतना अच्छा नहीं कर सकता है। दिस इज द नंबर वन रूल आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, जब से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं और एक बात बताना था आपको, भाई देखो आप कोई ब्रांच लोगे ना, पता है क्या प्रॉब्लम आता है? आप बोलते हो मेरे इंटरेस्ट है, भाई प्लस टू में कहाँ से इंटरेस्ट पता लगेगा यार, लोग ताउम्र निकल जाता है, इंटरेस्ट पता नहीं लगता है। तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, आप अगर लीगल तरीके से पैसे कमा रहे हो, वो क्या है आपका पैसा। तो भाई अगर आपको सही में आपको आगे बढ़ना है, आप ऐसे ब्रांच लो इसमें ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा अच्छा स्कोप है, ये मेरा। लेकिन ये भी सही बात है, भाई बोलेंगे सारे सारे CSE ले लेंगे, भाई मेरे बात सारे तो ना सुनेंगे, ना मेरे वीडियो सारे देखते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर आप लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, प्रूफ के साथ, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है ना, क्या लग रहा है आपको, क्या आज कितना पैसे आपको कमाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लाइफ में एक बात और आपको बता देता हूँ, खाली पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, दो और चीज़ें ही होता है, हेल्थ और एक क्या आपका फैमिली पीस। फैमिली पीस कैसे आता है? जब आप फैमिली को टाइम दोगे इन जनरल। हेल्थ कैसे अच्छा होगा? जब आप खुद को टाइम दोगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। AI क्या सॉफ्टवेयर जब वो खा जाएगा? कमेंट करना, लाइक दबा कर दो, शेयर दबा के करो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।